सहयोगी भाव वो है जो किसी रस को बढ़ाने में सहायक हो, जैसे श्रृंगार की बात करें चिंता है, असूया है, ये सब क्या है, अच्छे भाव है। ग्लानि भी है, जैसे नायक नायिका मिले पहली बार, नायक कहे कि देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ग्लानि है, आज से 2 साल पहले एक बार जीवन में ऐसा हुआ किसी को देखकर मेरे मन में प्रेम का भाव आया था, मैं तुमसे झूठी बोलना चाहता बेटा, आज तक जीवन में एक ही बार भाव आया है और आज मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि ये ना लगे कि मैंने झूठ बोला तुमसे, मैं बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, आज तक एक ही बार भाव आया था 2 साल पहले, उसके बाद से नहीं आया है। अब नायिका सोच रही है कि मैं बताऊंगी तो कितने बताऊंगी, समझ नहीं आ रही, जो कम बस देख के भाव आया वो भी बता रहा है, वो तो इन न्यूमरस अकाउंट्स में होते हैं। तो अब इसमें ये नहीं कि नायिका को नायक होने से रिवर्स नहीं हो सकता है ना, कहीं आप लोग तनाव में आ जाए कि नायिका ही पीछे पड़ गए सुबह से, उसी को गालियां दिए जा रहे लगातार, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा कहे, आप इससे पहली बार मिले है ना, पेरेंट्स ने बात की है बच्चों से, कहीं जाके मिल लो, एक बार जाके मिल लो, रेस्टोरेंट में बैठ लो, बात कर लो, समझ लो, आप मिलने गए और आपने कहा देखो सच बता रही हूँ, मेरा एक अफेयर था, 3 साल चला था, सीरियस वाला था, पर बाद में फैमिली में डिस्प्यूट हुई तो हम दोनों ने मिलकर तय किया कि चलो कोई बात नहीं शादी अलग अलग कर लेते हैं। दूसरे ने पूछा शादी तो अलग अलग कर ली है, बाकी कोई योजना तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमने स्थायी रूप से एक दूसरे से अलगाव कर लिया है, वो जीवन पर बात भी नहीं करेंगे, ये मेरा सच है। हाँ उसके बाद किसी से मुझे प्रेम हुआ नहीं, अब प्रेम वेम शायद ऐसे होगा भी नहीं, अरेंज मैरिज ही करनी है, आपसे बात करके ठीक लग रहा है, प्रोफाइल ठीक लगा, तो मैंने चाहते कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता खड़ा हो, ये मेरा सच है। आप ईमानदारी से बताइए कि इसके बाद ये संभावना कि इनके विवाह हो दूसरे पक्ष की ओर से बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम अब नहीं होती मेरे ख्याल, आजकल तो बढ़ जाती है, नहीं आजकल तो कौन नहीं समझता इस बात को आजकल। अच्छा चलिए सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आप लोगों की शादी 25 के बाद ही होगी मेरे ख्याल, 25 से पहले तो नहीं होगी, 25 की उम्र से पहले तो नहीं होगी, है ना? आप में से कितने लोगों को ऐसा भरोसा है कि आपका जीवन साथी होगा उसका पहले किसी से प्रेम नहीं हुआ होगा? अरे अजीब सा सवाल तो है, सवाल तो सच में अजीब सा है, लेकिन फिर भी पूछ लिया कि नई पीढ़ी क्या सोचती है पता लग जाए, ईमानदारी से बताइए। अच्छा परसेंटेज बताइए, छोड़िए ना अपना मत बताइए, परसेंटेज बताइए, आप में से आपको क्या लगता है कि जैसे ये 500 लोगों का सिंपल साइज है, इन 500 लोगों की शादी हुई 25, 26, 30, 35 की उम्र में, जब भी आप शादी करें, कितने प्रतिशत के जीवन साथी ऐसे आएंगे जिनका उससे पहले किसी के साथ भी, दो तरफा एक तरफा की बात नहीं करें, जिनका उससे पहले किसी के साथ भी कभी भी कोई प्रेम संबंध ना रहा हो? ऐसे लोगों की परसेंटेज बतानी है आपको अनुमान से, आप बताएं। ये तो ऐसे कह रही है एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब आप पे भी लागू हो गया मेरे तो, चलिए ठीक है एकदम लागू होगा, क्या दिक्कत है, कितने परसेंट भाई? 10 0 कितने लोग मानते हैं 0%? 0 वाले बहुत निराशावादी लोग हैं, इतनी निराशा मत रखिए, एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कई बार ट्राई किया हुआ ही नहीं कुछ, ऐसे लोग भी तो होते हैं, ट्राई तो 8 बार किया पर हुआ ही नहीं कुछ, इसलिए आज तक हुआ ही नहीं प्रेम किसी से, ये तो हो सकता है ना। तो कितने लोग मानते हैं कि संख्या 5% से कम ही होगी? ईमानदार साथ खड़ा कर लो, 5% से कम। और कितने मानते हैं कि 5 से ज्यादा किंतु 50 से कम? देखिए आप सब समझ रहे हैं कि 5 भी ज्यादा बोल दिया हमने, तो दिल खुश रखने के लिए कुछ बातें बोल देनी चाहिए। 1-2% और कितना होगा? कितना ही होगा। और जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनमें से 80-90% वो हैं जिनकी दाल गली नहीं गई, इससे भी आप सहमति होंगे। वरना 25, 30, 35 की उम्र तक किसी का किसी से प्रेम ना हो तो रोबोट है, फिर तो 3 ही संभावना है, मानसिक रूप से बीमार है या वैसे बीमार है या दाल गली नहीं। ये संभावना कि दाल गल रही थी कई जगह जहां उसको भी दाल पसंद थी उसके बाद भी उसने बातचीत नहीं बढ़ाई, ये संभावना तो बहुत ही कम है ना, बोली 25, 30, 35 की उम्र तक, तो मतलब इस बात को ठीक से समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है सुखांग वाली बात तो है, लेकिन नाटक के अंत में सुख है या हल्का हल्का दुख भी दिखता है, मतलब दिल बैठ जाता है, ऐसा भी तो है। जो नायक है वो बेचारा दुनिया जीत के अपना इश्क हार गया है,
कोई दुनिया जीत ले और उसी को हार जाए जिसके लिए दुनिया हासिल की थी तो फिर बचा क्या। जैसे आप में से कम 5 लोग ऐसे जरूर होंगे, 500 में से 1% जिनके IAS की तैयारी करने का मकसद ये है कि जिसका हाथ मांगा है उसके पापा ने कहा कि IAS बन के दिखाओ, बताएंगे नहीं शायद। हाथ खड़ा करेंगे ऐसे कोई है खिलाड़ी तो देखिए, एक ने हाथ खड़ा किया, करके नीचे कर लिया कि ताकि इससे पहले कि लोग देखें और पहचाने और मेरा मजाक बनाए बाद में, मैं जल्दी से हाथ नीचे कर लेता हूँ। तो आप में से 2-5 ऐसे जरूर होंगे कि किसी के घर गए होंगे, अंतल अंतल मुझे आपकी बेटी से प्याल है और आपकी बेटी को मुझसे प्याल है, अंकल ने चिकोटी गड़े बोला बेटा बहुत प्यारे बच्चे हो कुछ करके आओ, बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे बेटी की। तो अंतल सौ की नौकरी चाहिए बताइए, और अंतल ने कहा बेटा IAS बनोगे ना तो मुंह दिखाना वरना वही एक नाला है नेहरू विहार में वही दो मर्रा चिल्लूर पानी में, IAS बन जाओ या IPS में चलेगा, मतलब सिविल सर्वेंट बन जाओ तो आके बात करना और 3 साल का टाइम है मैक्सिमम, नहीं तो बेटी को ब्याह देंगे, बेशक गांव के परवाड़ी से ब्याहना पड़े लेकिन ब्याह देंगे, उससे हम रोकेंगे नहीं। तो आप में से कुछ लोग इस अलख के साथ आए होंगे, इस ज्वाला के साथ आए होंगे, 3 साल के अंदर IAS बन के उस खड़ूस को दिखा देना है कि मैं तेरी बेटी का स्वामी बनने के लायक हूँ। प्रेम और सामंत पर साथ साथ चलते हैं, ऐसा छोड़ते हैं कि प्रेम होने पर सामंत पर खत्म हो जाते हैं, साथ साथ चलते हैं। मैं तुम्हारा स्वामी बनने के लिए तुम्हारे पापा को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, दोनों मामलों में दिख रहा है कि ताकत इसी के पास रहने वाली है। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे आके बताते हैं कि सर कोई मतलब नहीं IAS से, हमें कंडीशन लगा दी है और उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, IAS बने तो बात ही क्या है, IAS भी बन जाऊंगा उसके लिए, तेरी खातिर पप्पू की माँ बेच दूं। वो शेर ध्यान है आपको, एक हरियाणवी आदमी वाला शेर ध्यान नहीं तो बताया था आपको एक बार, एक हरियाणा का आदमी शहर के सामने पड़ गया था गद्दे से कि जमी बेच दूं आसमां बेच दूं तेरी खातिर, क्या पता नहीं क्या क्या बेच दूं। हरियाणा का आदमी कह रहा है ये गाय बेच दूं, ये भैंस बेच दूं, तेरी खातिर पप्पू की माँ बेच दूं। तो उस नाम से तैयारी कर रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसा बच्चा तैयारी करे, टूट के तैयारी करे, GDP PDP सब उसे याद कर लिए इस चक्कर में, पर रोज याद करता है उसको हे उर्मिला तुम्हारे लिए GDP याद कर रहा हूँ देखो, और खूब याद किया IAS बन भी गया, रिजल्ट आ गया है। और जैसे रिजल्ट आया हाथ में कागज लेके गया है अपने कुटुंबी ससुर से मिलने के लिए, और ससुर जी कह रहे बेटा 3 दिन लेट हो गए, 3 साल 3 दिन हो गए, मैंने पूरा 3 साल वेट किया और 3 साल पूरे होते ठीक रात को 12 बजे ब्याह किया है उसका, 11:59 तक वेट किया तुम्हारा, 3 साल का टाइम दिया था देखो, ठीक 12 बजे उसका ब्याह हुआ है, अब वो अपने घर में खुश है सुखी है, अब उसे जिंदगी में आग मत लगाना, तुम्हें IAS मुबारक हो। ये है स्कंदरूप की हालत, कोई बेचारा इतनी मेहनत हुई IAS बने, जिसके लिए बना था वो उसकी शादी कहीं और हो गई, यहाँ कहीं और तो नहीं हुई पर यहाँ भी बात लगभग वैसी ही है। तो इसलिए थोड़े दुख की छाया मंडराती है, आप ये कह सकते हैं। तो